पितृपक्ष खत्म होते ही त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में भीड़ इतनी बढ़ जाएगी कि पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, दिवाली और छठ से पहले बिहार में आने के लिए और इसके बाद बिहार से वापस लौटने के लिए ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इस खास मौके के लिए लोग 2 से 3 महीने पहले ही ट्रेनों में टिकट बुक करा लेते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी करा लें। आज हम आपको इस खबर में बिहार से चेन्नई, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लुधियाना, गुवाहाटी और हावड़ा जैसे शहरों के लिए रेलवे में उपलब्ध सीटों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए पहले आपको बिहार से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों का हाल बताते हैं। गाड़ी नंबर 1229 संगमित्रा एक्सप्रेस में पटना से बेंगलुरु जाने के लिए स्लीपर क्लास में 10 से 15 अक्टूबर तक 35 के बीच वेटिंग लिस्ट है। इसके बाद 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक सीटें खाली हैं, लेकिन 1 नवंबर से स्थिति एकदम बदल गई है। 31 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट में 12, 1 नवंबर को वेटिंग लिस्ट में 48, वहीं 2 नवंबर को वेटिंग लिस्ट 74 है। यही स्थिति 18 नवंबर तक है। 19 नवंबर के बाद इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में RAC सीट उपलब्ध है। वहीं गाड़ी नंबर 12792 सिकंदराबाद एक्सप्रेस में 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सीटें खाली हैं, लेकिन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक लंबी प्रतीक्षा सूची है। इन ट्रेनों के AC कोच में भी यही हाल है। तो चलिए अब आपको दक्षिण भारत से बिहार आने वाली ट्रेनों के बारे में बताते हैं। गाड़ी नंबर 12791 सिकंदराबाद एक्सप्रेस में बिहार आने के लिए पूरे अक्टूबर और नवंबर महीने में 50 से 300 के आगे तक स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट है। चौंकिए मत, AC क्लास में भी वेटिंग लिस्ट 20 से 100 तक है। वहीं गाड़ी नंबर 12295 संगमित्रा एक्सप्रेस में भी पूरे अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान बिहार आने के लिए टिकट उपलब्ध नहीं है। वहीं अब मुंबई से बिहार आने वाले ट्रेनों की बात करें तो गाड़ी नंबर 12141 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में पूरे अक्टूबर और नवंबर महीने में बिहार आने के लिए स्लीपर क्लास में टिकट उपलब्ध है ही नहीं। हालांकि इसी ट्रेन में 12 अक्टूबर तक AC क्लास में खूब सीटें हैं। 30 अक्टूबर से पुनः इस ट्रेन के AC क्लास में बिहार आने के लिए सीटें उपलब्ध हैं। वहीं गाड़ी नंबर 12142 में बिहार से मुंबई जाने के लिए 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक स्लीपर क्लास में सीटें हैं, लेकिन नवंबर में वेटिंग टिकट मिलेगा। अब दिल्ली से बिहार आने वालों की टेंशन बढ़ रही होगी, घबराइए मत, बिहार से दिल्ली के लिए खूब ट्रेनें हैं, इसलिए इन शहरों से बिहार आने जाने वालों के लिए अभी टिकट मिलने की गुंजाइश बची है। हालांकि दशहरा के बाद इस रूट पर भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो देर किस बात की, आप अभी अपना टिकट करा लीजिए। आपको बता दें कि हमारे द्वारा बताए गए आंकड़ों में बदलाव संभव है, इसलिए आप अपनी यात्रा के लिए योजना बनाने से पहले टिकट उपलब्धता की ताज़ा स्थिति जरूर चेक कर लें। बिहार इंश्योरेंस के लिए राजकमल की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।